आयुषी पीफो न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। छठ का महत्व पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत है, इसलिए इस त्योहार को खूब हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। ऐसे में प्रमुख समाज सेवी मोहम्मद अलीम जी ने इस त्योहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों को इस त्योहार की बधाइयां दी। मोहम्मद अलीम जी को विकलांगों का मसीहा माना जाता है, वो दिव्यांगों के रॉबिनहुड कहे गए हैं। पीफो न्यूज के संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत में मोहम्मद अलीम जी ने बताया कि हम सभी को जात पात से ऊपर उठ के सभी त्योहारों को खूब हर्ष और उल्लास से मनाना चाहिए, इससे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा। बोल छठी मैया की, बोल सूर्य नारायण भगवान की। धीरे धीरे भारत के सभी क्षेत्रों में मनाया जाने लगा है और विदेशों में भी मनाई जाती है। छठ पर्व पति की लंबी आयु और संतान की सुख प्राप्ति के लिए महिला ये व्रत करती है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करता हुआ मोहम्मद अलीम जी का ये कार्य हम लोगों को खूब प्रेरणा देता है। हम लोगों को सीखना चाहिए उनके इस कार्य से कि कैसे धर्म और जाति को अलग रखते हुए सभी त्योहारों को एकता के साथ मनाया जाए। इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद।